अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र है दो दिन से थोड़ा कुछ बेहतर है कराची में। जो हालात थी पिछले हफ्ते दैट वाज टू मच, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दो दिन से बेहतर है। आज मंगल वाला दिन और शेफ साइमा हमारे साथ हैं और बनाएंगी मॉन्स्टर कुकीज़ और ब्राउनी टार्ट। ठीक है, तो वेलकम करते हैं साइमा को। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, हमारी तो बीच में बड़ी मुलाकातें हुई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा से बहुत मज़ा दिया। मैंने आपको बताया था हम लोग गए थे माय कराची इवेंट जो एक्सपो पे था। जी बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। तो मैं तो माशाल्लाह बीपी विप को देखती हूँ, मिल्की स्पूट को, जिस तरह से ये दो भाई हैं सलमान और जीशान, जिस तरह से ये ऊपर आए हैं सिर्फ पता है ईमानदारी की वजह से। और ईमानदारी और खुलूस, उनमें इतना खुलूस है, मतलब जिस तरह से वो बात करते हैं अपने छोटों से अपने बड़ों से, हैरानगी होती है कि मतलब अपने से नीचे वाले को नहीं देखते, अपने से बड़े वाले को नहीं देखते, सबसे प्यार मोहब्बत से, और अल्लाह उनको नवाजे चला जा रहा है। और इतने बड़े बड़े केक्स, कितने केक्स होंगे साइमा? बहुत ज़्यादा, इतने बड़े बड़े केक्स नहीं में फैज़ुल्ला ने, उमैद ने, सब ने बनाए थे। और वो सबको जो उनके स्टॉल पर आ रहा था, इतने बड़े बड़े पीस काट काट के उनको दे रहे थे। मतलब देखें, दिल की पैसा अल्लाह सबको देता है लेकिन दिल नहीं देता साथ, इनको तो दिल भी दिया हुआ है माशाल्लाह से। मैंने इनको कहा है, मैंने कहा भाई हम, मुझे आना है, आऊँगी मैं एक दिन। मेरा हालांकि वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ों का बेक हाउस का स्टॉल वहाँ पे भी था, लेकिन इतना कुछ नहीं था जितना वहाँ उनकी दुकान में है, उनके वहाँ बेक हाउस में। जी साइमा जी, क्या से स्टार्ट करेंगे आप? आज हम मॉन्स्टर कुकीज़ से स्टार्ट करेंगे। से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखती हूँ मॉन्स्टर कुकीज़ आपकी कैसी है। मैंने भी सिखा चुकी हूँ। अच्छा, okay. लेकिन अब आपकी शायद डिफरेंट हो, डेफिनेटली आप तो मास्टर हैं भाई। नहीं, चले चले स्टार्ट करते हैं। ये आपकी रख लीजिए, आप रेसिपी है। अच्छा, ये हमारा केक स्टैंड विरसा का है, कितना ज़बरदस्त सा है। आप लोग ख़रीदना चाहें आप उनको विरसा पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप उनसे मंगवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जानिए सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, और मैं साथ साथ थोड़ा सा एक और पॉइंट भी बता दूँ कि जो ओट्स हम यूज़ करने जा रहे हैं ये इंस्टेंट और जो रोल्ड ओट्स होते हैं जो डब्बे में भी वैसे भी मिलते हैं। अच्छा, मुझे ये बात कभी नहीं समझ आई, ये आज आप मुझे समझाइए कि व्हाट डू यू मीन बाय रोल्ड ओट्स। अब यानी जो जैसे ओट है वो तो एक कह लें कि ग्रेन है ना, हाँ। तो उसको ये देखें, ये रोलिंग करके फ्लैट किया हुआ है। अच्छा, ताकि इंस्टेंटली कुक हो जाए। जहाँ पे भी लिखा हो रोल्ड ओट्स, दैट मींस वो डब्बे वाला पॉरेज, डब्बे वाला जो पॉरेज होता है जो इंस्टेंट होता है, जो फौरन फौरन बन जाता है। जी, तो मैंने इसको थोड़ा सा टोस्ट किया हुआ, इसके कलर से भी आपको आइडिया हो। मैंने भुना हुआ है इसको, मैंने ओवन में टोस्ट किया था। आप चाहें तो बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है, आप चूल्हे पे पैन में भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको टोस्ट करके फिर आपने यूज़ करना है, बिल्कुल प्लेन यूज़ नहीं करना। अच्छा, सबसे पहले हम बटर ऐड करेंगे। बटर है हमारे पास, और इसी में जो है हम दोनों शुगर, दो तरह की चीनी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, 70 ग्राम्स ब्राउन शुगर जी, और कैस्टर शुगर 25 ग्राम्स जी। इसमें ऐड करेंगे कैस्टर शुगर, ठीक है, और थोड़ा सा इसका जो है क्रीमिंग करेंगे। अच्छा, इसको मॉन्स्टर कुकीज़ क्यों कहते हैं? ये एक ट्रेंडी कुकी है जिसमें हम नॉर्मली ये जो बंटीज होती हैं, आप सबको पता है कि M&M's नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये अवन में जाके मेल्ट नहीं होती हैं। तो ये रीज़न है कि हम M&M यूज़ करते हैं, लेकिन पीनट वाली नहीं यूज़ कर रहे, मैं प्लेन जो चॉकलेट वाली है वो हम यूज़ करेंगे। और इन कुकीज़ में जाता है पीनट बटर, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं मॉन्स्टर कुकी, कि इसके अंदर मिक्सचर है पीनट बटर का, ओट्स का, बंटीज का,
बहुत रिच कुकी है और सबसे बड़ी बात कि इसका सर्विंग साइज बहुत बड़ा होता है। okay. मैंने दोनों साइजेस बनाए हैं, 100 ग्राम्स की भी कुकी है इसमें। एक्चुअली ये साइज होता है, बिल्कुल एक्चुअली ये साइज है बिल्कुल। तो रियल कुकी जब आप इंजॉय करना चाहते हैं, प्योर कुकीज़ जो हैं, तो आप हमेशा 100 ग्राम्स की बनाएं। 80-100 ग्राम्स की हम नॉर्मली सर्विंग रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फूलने वाली कुकी होती है तो 80 ग्राम का बैटर लेते हैं, हम लोग डो लेते हैं। और अगर नॉर्मल जैसे बहुत ज़्यादा नहीं राइज होती तो फिर हम 100 ग्राम्स का लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा ये बस क्रीमिंग होगा तो इसी में जो है हम पीनट बटर ऐड कर देंगे। अच्छा, पीनट बटर की डिफरेंट आपको पता है, चंकी भी होता है, क्रीमी भी होता है। मेरे पास क्योंकि क्रीमी अवेलेबल था, मैंने वो यूज़ किया है। अगर आपको चंक्स वाला पसंद है तो आप चंक्स वाला यूज़ कर सकते हैं। सुने जी, एक कॉलर पूछ रही है कि साइमा से पूछें कि उन्होंने प्रॉमिस किया था शुगर वर्क सिखाएंगी, कब सिखाएंगी? सिखा देंगे कभी, आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, एक्चुअली टाइम टेकिंग है ये चीज़ें। और ये कि छोटी छोटी शायद मैं कुछ हल्का फुल्का सिखा दूँ, लेकिन बहुत बड़े उस पर हम लोग डिस्प्ले करने वाली चीज़ें नहीं सिखा सकते। हाँ, मैं उसकी टेक्निक्स बता सकती हूँ, तो वो हम इंशाल्लाह किसी दिन शो में रख लेंगे। कोई कुकीज़ के अंदर जैसे यूज़ कर लेंगे, या वैसे कोई डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि नॉर्मली आप जानी शुगर वर्क जो हम कर रहे होते हैं ना, हाँ, वो डिज़र्ट्स में इसलिए नहीं करते कि शुगर जो है वो होती है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, जो दुनिया की हर तरह की चीनी, जो भी चीनी है उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाली। तो हमारे यहाँ पे जैसे आपको पता है कराची का वेदर है ही ह्यूमिड वेदर है, तो चीनी का काम तो आप कर ही नहीं सकते, और मेल्ट हो जाएगी। जी, मेल्ट हो जाती है, चिप चिप हो जाएगी बिल्कुल। तो वो डिज़र्ट्स में हम वैसे भी यूज़ नहीं करते, डिस्प्ले वर्क के लिए यूज़ करते हैं या कुकीज़ में। अच्छा, यहाँ पे मक्खन, ब्राउन शुगर, कैस्टर शुगर और पीनट बटर को मैंने क्रीमिंग किया था, उसमें एक अदद अंडा शामिल करेंगे हम। होल एग है ये, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्रीमिंग या इस तरह का नहीं है। फौरन इंस्टेंट है। अच्छा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास फ्लावर है, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च है, और यहाँ पे बेकिंग सोडा है। ये मैं बेकिंग सोडा इसके साथ मिक्स कर देती हूँ। हाफ टी स्पून जी, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा है और कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर 10 ग्राम था जी। बिल्कुल। अच्छा, कॉर्न स्टार्च ऐड करने की जो दो ही रीजंस होती हैं कुकीज़ में, पहला रीज़न कि इसका माउथ फील जो है वो थोड़ा सा मज़े का हो जाता है, इससे नहीं आप जानी क्रंची नहीं, थोड़ा इस तरह का होता है कि आपके पैलेट पे चिपकता है। तो कुकी में ये चीज़ पसंद की जाती है, जैसे शॉर्ट ब्रेड में हम थोड़ा कॉर्न स्टार्च वगैरह ऐड करते हैं, तो एक रीज़न ये है। और सेकंड रीज़न ये होती है कि जब हम बेकिंग सोडा जिस कुकी में यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हम इसलिए कॉर्न स्टार्च ऐड करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो, थोड़ा सा होल्ड करके रखे। जैसे ये इसमें थोड़ी सी आपने देखा होगा कि थोड़ी थिकनेस आई है, अगर मैं इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड नहीं करूँगी तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी कुकी। ठीक है, तो ये रीज़न होती है कि हम अच्छा, तो बहुत सारे लोगों की चॉकलेट चिप कुकीज़ भी बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ऐड करते हैं। बिल्कुल, ये लिख लें, गुड पॉइंट जी। ठीक है, इसमें हम ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ये ऐड कर देंगे। ओट्स था, अनिया बजानी ओट्स अभी ये पड़े, मैं डालने लगी। अच्छा, मैदा था, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा था, कॉर्न स्टार्च था और ओट्स था। ओट्स, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिए और एक अच्छा सा गुड मिक्स हम इसको देंगे। और okay. हमारे पास यहाँ पे जो है चॉकलेट चिप्स और M&M's वगैरह, इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी मैं इसमें ऐड करूँगी और थोड़ी सी ऊपर के लिए, थोड़ी सी ऊपर हम गार्निश के लिए रखेंगे। ठीक है, बस आप डाल दें फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जी, अब बस मैं ये थोड़ी सी इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और थोड़ी सी हम जो है गार्निश के लिए ऊपर के लिए रखेंगे। और इस डो को बिल्कुल भी चिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको really? ये जी आप बता नहीं, ये हम स्कूप यूज़ कर लेंगे।
अगर आपने ग्रामेज में करना है तो 100 ग्राम्स बस। हम इस तरह से स्कूप करके, मैं जब तक ट्रे में सेट करती हूँ, वापस आते हैं। सही है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोगों ने ये सारी कुकीज़ आप देख रहे हैं, मैंने ऊपर से जो है इसको अच्छा मैंने पोर्शन किया था, वो जो मैंने स्कूप दिखाया था, मैंने आइसक्रीम स्कूप जी से. मैंने एक एक स्कूप डाल दिया और बस सिंपल इसको कर लिया। अगर आप इसको ग्राम्स में करना चाहते हैं तो 20 से 25 ग्राम आप 30 ग्राम्स की भी कुकी रख सकते हैं एक, और 100 ग्राम्स की भी जैसे मैंने बताया। बस इसको हम अवन में रखेंगे, साथ ही है हमारी सेकंड रेसिपी, इसकी तरफ चलते हैं। ब्राउनी टार्ट, बिल्कुल। अच्छा, ब्राउनी टार्ट में उसका जो टार्ट बेस है वो मैंने कई मरतबा सिखाया है, इस वजह से वो मैं बना नहीं रही सामने। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे फ्रीज़र में पहले से बना के रखा हुआ है। अभी लास्ट आप यानी हमने जो टार्ट बनाया था चॉकलेट टार्ट, सेम डो है, सेम डो हम यूज़ कर रहे हैं। चॉकलेट टार्ट में अभी लास्ट उसमें मैंने बनाया था ना बीच में फिलिंग करके फ्रेंजीपेन की, चॉकलेट फ्रेंजीपेन टार्ट जो बनाया था, ठीक है। आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं क्योंकि नहीं ये अभी अनबेक्ड है, कच्ची है, मैंने सिर्फ इसको टार्ट का डो लगाया हुआ है और इसको फ्रीजर में रखा है। तो आप सिर्फ टार्ट की रेसिपी बता दें जी, तो इंग्रेडिएंट्स बता दें इसके, इसके अभी मुझे याद नहीं है, पता नहीं, मैं बता देती हूँ, मैं जैसे ब्रेक आती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे उधर है स्टूडियो में है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स दोबारा से रिपीट कर देंगे। अच्छा, ये टार्ट डो क्योंकि लगाया हुआ है, इसको हम हाफ बेक करेंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद ये जो ब्राउनी बैटर है ये हम इसके अंदर पोर करेंगे। तो क्योंकि अभी जब तक मैं ब्राउनी का काम कर रही हूँ इसको हम फ्रीज़र में ही रखेंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे ही मेरा ब्राउनी का बेस अभी रेडी होने वाला होगा 10 मिनट के लिए इसको हम ओवन में डालेंगे, फिर हम बेस डालेंगे इसके अंदर। आपने इसको बना के रख दिया फ्रीजर में, फ्रीजर में, ठीक है, आधे घंटे के लिए। फिर आपने स्टार्ट किया ब्राउनी का बेस बनाना। जब ब्राउनी का बेस तैयार हो गया तो आपने इसको निकाल के 10 मिनट्स बेक किया, ओनली 10 मिनट्स, और फिर निकाल के ब्राउनी का बैटर उसमें डाल के रीबेक, और दोबारा रीबेक करना है 25 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो अभी ये फ्रीजर में रख रही हूं क्योंकि मैं अभी चॉकलेट वगैरह मेल्ट करूंगी, फिर मैं जब तक हमारी कुकीज भी हो जाएंगी 9 से 12 मिनट में, फिर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और ये दोबारा फ्रीज़र में जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास चॉकलेट है, मिल्की इसकी डार्क चॉकलेट इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, 160 ग्राम जी, और बटर है। इन दोनों को जो है हम मेल्ट करेंगे, 100 ग्राम 4 औंस बटर एंड थोड़ा सा 160 ग्राम डार्क चॉकलेट मिल्की फूड्स। अच्छा, मिल्की फूड्स का वो भी है भाई, आई डिडंट नो कोको पाउडर, कोको पाउडर भी है। यानी मैं यूज़ करती हूँ उन्हीं का यूज़ करती हूँ जी, जी nice. हर तरह का है, आप यानी लाइट कोको पाउडर है, डार्क है, ब्लैक है, वेरी वेरी नाइस जी। और मैं वो भी देख के हैरान हो गई थी, जो चोको हेज है उनका, तो अब चोको क्रीम भी आ गया है वैसी बॉटल में, जबरदस्त जी। हमने ये पैकिंग रखी हुई है पीछे, अगर ये दिखा रहे हो तो ये छोटी 25 ग्राम्स की बॉटल्स हैं, बहुत क्यूट सी हमारी ये वाली, बहुत प्यारी बॉटल्स हैं ये भी है, और ये भी बच्चों के लिए, ये जो आया है कि एक कहते हैं ना फौरन बच्चे लिक करते हैं और इंजॉय करते हैं चॉकलेट क्रीम वगैरह। अच्छा, ये क्या है, क्या चीज़ है पाजानी? ये न्यूट्रल जेल है इनका, न्यूट्रल ग्लेज, न्यूट्रल जेल जी। हम लोग जैसे शाइन देने के लिए अक्सर टार्ट्स के ऊपर, जब हम फ्रूट टार्ट्स बनाते हैं तो फ्रूट टार्ट्स के ऊपर जो एक टिपिकल शाइन होती है वो हम न्यूट्रल जेल को थोड़ा सा माइक्रोवेव करके और उससे ब्रश करते हैं। इससे होता क्या है कि आपके जो फ्रूट्स हैं वो ब्लैक नहीं होते और एक बहुत प्यारा शाइन दिया जाता है जी। इंस्टेड ऑफ जेलेटिन आप इससे कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेलेटिन का तो आप एक कह लें कि रॉ जेलेटिन वैसे भी खाने में मज़ा नहीं कर रहा होता जी,
तो ये स्वीट होता है, मीठा होता है बिल्कुल, तो अच्छा भी लगता है। चॉकलेट चिप्स देखें कि वाइट वाले, वो वाले छोटे छोटे, वेरी नाइस। अभी हमने जो मॉन्स्टर कुकीज में यूज किए हैं यही चॉकलेट चिप्स हैं बिल्कुल। आपको पता है चॉकलेट को मेल्ट करने में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि हम इसको एकदम से गर्म नहीं कर सकते। एक बात बताओ, जब आपको इसमें बटर डालना ही है तो आप बटर के साथ क्यों नहीं मेल्ट मैं करने लगी हूँ पता नहीं, असल में चंक्स कुछ बड़े थे तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा छोटे हो जाए मेल्ट करके फिर मैं इसमें जो है बटर ऐड करती हूँ। जी अभी जैसे जो है ये थोड़ी सी देखें थोड़ी सी मेल्ट हो गई है तो मैं थोड़ा सा बटर भी ऐड कर लूँगी। अच्छा ये जो ब्राउनी की रेसिपी है ये आप सिर्फ ब्राउनी भी बना सकते हैं इसे, टार्ट के अंदर डालने की जरूरत बिल्कुल ये क्योंकि एक फ्यूजन रेसिपीज़ हैं। आपको पता है टार्ट की इतनी वैरायटी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हुई हूँ और मुसलसल सिखा रही हूँ और आगे मज़ीद टार्ट्स आने वाले हैं, सिर्फ इसीलिए कि थोड़ा सा एक ट्रेंड हम लोगों का पाकिस्तान में चेंज हो और लोग कुछ अच्छा सीखें, क्योंकि टार्ट्स पर आप यानी काम ज़्यादा नहीं होता, बहुत भी अगर कोई टार्ट्स बनाता है तो एक वॉलनट टार्ट बन जाता है, इससे ज़्यादा नहीं कोई बनाता। हम इसको जो है थोड़ा सा और मेल्ट हो जाए, आप जाने मुझे इसका बोल मंगवा दीजिए वहां से, शारिक बोल। मेल्ट ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम हिना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है पानी? अल्लाह का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं आपकी तबीयत कैसी है? जी आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत करम अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं आपको देखती हूँ जब मेरी आपसे बात होती है तो मैं वसीला अदा करती हूँ, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। बहुत मेहरबानी है बेटा आप लोग की, मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके खाने भी ट्राई करती हूँ और मुझे आपसे एक सवाल करना है। जी जी बोलें, ज़रूर करो बेटा। मैंने पूछा था कि मैं ना बेकिंग करती हूँ, मेरे पास ओवन नहीं है और मैं पतीले में वगैरह केक भी बनाती हूँ, पिज़्ज़ा भी और हर चीज़ बनाती हूँ, बिस्किट वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हर चीज अच्छी बनती है। और मुझे आपसे पूछना है कि 5 ग्राम कितना होता है? क्या है? 5 ग्राम कितना होता है? कितने ग्राम? 5 ग्राम कितना होता है? 5 ग्राम किस चीज में आप पूछ रहे हो? मैंने बेकिंग के अंदर केक में डालना है ना, तो कितना होता है ये? आपको 5 ग्राम किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, क्या? मैदा नहीं। देखें 25 ग्राम मैदा होता है 1 औंस यानी के 2 टेबलस्पून। जी तो आप उस हिसाब से 5 ग्राम कर लीजिए, 1 टीस्पून ही होगा। और मैंने आपसे भी पूछना है कि 16 ml कितना होता है? 60 ml लीटर 60 ml होता है, मैं बता देती हूँ। 100 ml इज 1 कप जी, इसमें नहीं हाफ कप। असल में जो ml और ग्रामेज दोनों सेम होते हैं, ml हम लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, ग्रामेज हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज़ करते हैं। 1 टेबल स्पून इज इक्वल्स टू 3 टीस्पून्स, ठीक है? अगर आप ml की बात करेंगे तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल्स टू 15 ml, और अगर 15 ml है तो 2 टेबल स्पून हो गए 30 ml, और 60 ml हो गए 4 टेबल स्पून। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मुझे तो नहीं आई, एक दफा फिर ब्रेक में समझा। मैं दोबारा दोबारा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह आपका मैं शो देखती हूँ और हर चीज़ ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। जैसा थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब आप कुछ कर रही हैं या हम ब्रेक पे चले? आप जानी ब्रेक पे चले जाते हैं, बस एक काम जो मैं करने वाली थी। हम लोग अंडे और ये जो शुगर है हमारी, दोनों शुगर्स को मैं बीट कर रही हूँ जब तक हम वापस आ जाते हैं। में बीट कर रही हैं इसमें अंडे के साथ? जी अंडे के साथ। कोई मक्खन नहीं है? नहीं मक्खन इसमें चला गया। ठीक है जी, मक्खन इसमें। ब्राउनी टार्ट के लिए बीट करने लगी है साइमा, सायमा बीट करने लगी हैं दोनों शुगर्स, दैट्स कैस्टर शुगर एंड ब्राउन शुगर विद 2 eggs, राइट? समझ आ गया आप लोग को? जी
सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. ये देखें आपके सामने एक ही साइज के हुए हैं माशाल्लाह मॉन्स्टर कुकीज जी. ठीक है. अच्छा अब जरा यहाँ पे क्योंकि अच्छा आपके लिए एक मैसेज है जी कि प्लीज़ रोल्ड ओट्स मैदा की क्वांटिटी बताएं और साइमा को मेरा सलाम कहना. ये शेरबानो ने मुंबई से. अच्छा ठीक है. वालेकुम अस्सलाम. और उन्होंने लिखा है कि मुझे साइमा का मुस्कुराता चेहरा बहुत पसंद है. जुदा करना. बहुत शुक्रिया. आप लोगों का ये प्यार ही है जो हमें मुस्कुराता हंसा मुस्कुराता रखता है. बहुत शुक्रिया. अच्छा इसी के साथ क्वांटिटी अभी आप यानी आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं. मैंने जो टार्ट डो हम लोगों ने ये कच्चा डो है जो फ्रीज़र में था कुकीज़ आउट हुई हैं इसको यहाँ पे क्रीमिंग हो रही थी हमारी जो ब्राउनी की इसको मैं अवन में रख रही हूँ. ठीक है अवन में थोड़ी देर पकाएंगे. जो बेस है शॉर्ट क्रच है ना जी. आप यानी शॉर्ट क्रच में बल्कि इसको किसी ट्रे में रखती हूँ ताकि हमारे लिए कैरी करना थोड़ा इजी रहे. फिर बता जी शॉर्ट क्रच का बेस है. ठीक है. और विद कोको और इसको डाल दिया है इन्होंने बेक करने के लिए अवन में फॉर अबाउट 10 मिनट्स. जब तक ये ब्राउनी का डो रेडी हो जाएगा उसको निकालेंगी ब्राउनी का डो उसमें डाल के मजीद बेक करेंगे. और यहाँ पे आप जानिए जो मैंने 2 अदद अंडे और ब्राउन शुगर और कैस्टर शुगर ऐड किया था उसको ये देखें इस तरह से ये थोड़ा सा मिक्स किया क्रीमिंग हो गई. अब ये जो चॉकलेट और बटर को हमने मेल्ट किया था ये हम इसमें पोर करेंगे. अच्छा अगर आपको लगे कि चॉकलेट जैसे बाहर पड़े पड़े जम गया तो कोई इशू नहीं उसको हल्का सा रीवॉर्म कर लीजिएगा. ठीक है. ये जो है मिक्सचर मैं यहाँ से पोर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से ज़रा स्पेस है. आजकल आज की रेसिपी बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है मुझे भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को भी नहीं पड़ेगी. इट्स वेरी वेरी क्लियर. इस तरह से हम इसमें सभी जो इसको पोर कर देंगे और इसके साथ इसको अच्छा सा गुड मिक्स देंगे. इसमें मैदे की क्वांटिटी 50 ग्राम है ब्राउनी डो के लिए दैट्स 2 ounces और कोको पाउडर 25 ग्राम दैट्स 1 ounce दैट्स इट. और कैस्टर शुगर 100 ग्राम थी ब्राउन शुगर 50 ग्राम थी जी. एग्स 2 थे नमक 1 चुटकी जी. और डार्क चॉकलेट 160 ग्राम बटर 4 ounces. यहाँ पे ये चॉकलेट मेल्ट हो गई लाइक मिक्स हो गई. मेल्ट तो पहले से की हुई थी. अब मेरे पास जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ये हम इसमें ऐड करेंगे. ये थोड़ा फजी ब्राउनी है इसमें किसी भी किस्म का हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड नहीं कर रहे. ठीक है. इसी में जो है ये मैदा जाएगा. सच ए सिंपल डेजर्ट हाउ नाइस. कभी दिल चाहता है चाय के साथ ये उसके लिए है चॉकलेट लवर्स के लिए जी. आपके लिए ब्राउनी सालिक कह रहे साइमा कॉलिंग साइमा बात करें आपके लिए कॉल है साइमा की. सही है जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. मैं रेगुलर प्रोग्राम देखती हूँ आपा का. ठीक है. मैं इनकी रेसिपी बहुत फॉलो करती हूँ आपकी रेसिपीज बहुत फॉलो करती हूँ. बस मुझे ये ना कि हमारा केबल नहीं आ रहा था. अभी अभी केबल आया तो फर्स्ट रेसिपी तो निकल गई. चले मैं रिपीट में देख लूँगी. आप ब्राउनी चाट की रेसिपी दोबारा रिपीट कर दें. मैं लिख रही थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा अभी आया केबल हमारे. बिल्कुल अभी हम रिपीट कर देते हैं मुकम्मल रेसिपी रिपीट कर देते हैं. हाँ मैं शाम में देख लूँगी कुकीज़ की तो मैं शाम में रिपीट में भी देख लूँगी. बिल्कुल बिल्कुल आप रिपीट में देखिएगा ताकि अगर छोटी कोई ऐसी बातें होती हैं जो मैं नॉर्मली ड्यूरिंग रेसिपी के दौरान में बोल रही होती हूँ तो वो भी आपको पता चल जाएंगी. जी जी जी. और बस मुझे ये कहना था आपसे कि ये मुझे बता दें अगर मेरी बेटी को बेकिंग का शौक है और क्लासेस दिलवानी हो तो मुझे आपसे कैसे क्लासेस मिल सकती हैं? शीरी आपा के घर. अच्छा नेक्स्ट वीक से ये मेरे घर क्लासेस करेंगी. जी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है आपा जानी जो है ना प्लान कर रही है हम क्लासेस रखेंगे फिर वो आपा जानी जो है वो कर देंगी अनाउंस कर देंगी आपको पता चल जाएगा. चलें ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आपा. बहुत सलाम आपा को भी कहिए. वालेकुम अस्सलाम. जीते रहिए. थोड़ा
ठंडा हो जाए हमारी कुकीज। अच्छा यहाँ पे मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे, इसको अच्छा सा एक गुड मिक्स में देने लगी हूँ यहाँ पर जी। ठीक जी, बस थोड़ा सा क्लाउडी होता है, मैं इससे थोड़ा खुद भी पीछे हट जाता हूँ। ओह हमारी मशीन ये थोड़ी तेज़ है जी, होता है लाइव शो में तो बहुत कुछ हो जाता है। ये मशीन हमारी अचानक से चलती है और इसी वजह से जो है मैं थोड़ा सा अच्छा इसको जैसे ही ये देखें एक गुड मिक्स दे दिया हमने। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं करना, हमने हल्का सा बस लग रहा है कि ये बड़ी गुई है, गुई और बड़ी फजी सी ब्राउनी है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि टार्ट में ही डाली है, आप इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन सायमा एज इट इज़ में जैसे ब्राउनीज में बहुत सारे लोग चॉकलेट चिप्स पसंद करते हैं, वॉलनट्स पसंद करते हैं, ऐड करते हैं, इस क्वांटिटी में कितनी जाएगी? अब यानी जैसे ये वाली क्वांटिटी है इसमें 100 ग्राम्स आराम से नट्स जा सकते हैं, आराम से आप 100 ग्राम्स ऑलमोस्ट वही हो जाता है हमारा आधा कप या पौना कप कह लें जी। ठीक है, बिल्कुल, तो आप ज़रूर डालिए अगर आप सिंपल ब्राउनीज बना रहे हैं, दे टेस्ट रियली गुड, लेकिन बाद बच्चों को नहीं पसंद वॉलनट्स तो ना डालें। ठीक है, चॉकलेट चिप्स डाल दें। मैं क्योंकि टार्ट में ऐड कर रही हूँ तो इसलिए प्योर ब्राउनी का ये देखें कितना रिच इसका जो है ये बैटर है, ये देखें। ठीक है, रिच बैटर है, बस थोड़ा सा हमारा टार्ट जो है वो बेक हो जाए। मुझे अपने लिए एक सवाल पूछना है, आपने बेस तो बना लिया चॉकलेट का, ठीक है, अब ये मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, तो सेम रेसिपी से मैं कोको अवॉइड कर लूं? नहीं आप जानी नहीं, उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ब्लॉन्डी की रेसिपी अगर आप यूज करेंगे ना जो मैंने लास्ट बनाई थी वो ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ कि हम इसका कोको पाउडर, क्योंकि अगर कोको पाउडर हटाएंगे तो मेल्टेड चॉकलेट अगर व्हाइट डालेंगे तो हमारा टेक्सचर चेंज हो जाएगा, तो रेसिपी पूरी चेंज हो जाएगी। तो कोशिश करें कि वो जो ब्लॉन्डीज मैंने प्लेन, हम लोगों ने कैरमल ट्राइफल अगर याद हो वो कितनी मज़े की वो ब्लॉन्डीज थी, मतलब बहुत ही डिलीशियस है। उस पर याद आ गया, आपने नाम लिया फारूक का, मुझे रात में मैसेज आया था शेफ सायमा को थैंक यू बोलना, मैंने वो ट्राई किया था ट्राइफल, हाँ कल बनाया था उन्होंने, फ्रिज में था तो ट्राई नहीं किया, मैं बताऊंगा। सही, ज़रूर मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप हमें बताएं। अच्छा जैसे ही हमारा टार्ट बस 10 मिनट्स होते हैं फिर हम उसमें ये ऐड कर देंगे, जब तक और ये बेक होगा 25 मिनट के, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ये 25 मिनट तक बेक होगा। ओके डन जी, और आप बस ये देख लीजिए कि मॉन्स्टर कुकीज़ का एक ही साइज़ है और किस तरह से एक ही कलर में ये सारी कुकीज़ इवनली बेक हुई हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ब्रेक आ गई है जी, ठीक है, तो बस हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं, जैसे ही वो 5 मिनट में निकलेगा हम इसको डाल के दोबारा बेक करेंगे। सही है, स्टे विद अस। आप कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? मेरे डायरेक्टर साहब मुझसे कह रहे हैं आपा आपा आपा, तो मैंने मेरे मुंह से भी आपा निकल गया जी। अच्छा अब फिर सायमा आपने मुझे टार्ट का नहीं दिखाया, आप बिजी हो गई, मैं बस बता देती हूं। ठीक है, अच्छा ये एक दफ़ा आप लोग लिख लीजिए जब तक सायमा उसमें वो देखा देख लें आप लोग। सायमा उसमें डाल रही हैं ब्राउनी का मिक्सचर जी, सायमा डालिए। अच्छा ये अब जानी हमारा ब्राउनी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये 10 मिनट्स के बाद मैंने आउट कर दिया था ताकि ओवर बेक ना हो जाए, और इसमें जो है हम ये सारा ये चॉकलेट लवर्स विल लव दिस जी, उनके लिए तो बहुत ही मेरे जैसे। अच्छा आपको पसंद है? बहुत बहुत, आप जानी मेरी सेहत से नहीं लगता चॉकलेट। चलो सायमा बिल्कुल भी नहीं, अभी इसमें लगती है, लेकिन परसों मैंने इनको देखा था वहाँ एक्सपो पर कोई भी नहीं, फिर भी अब काम ही असल में अब जानी है ही मीठे का, तो कोई ना कोई ना चाहते हुए। मेरा उस दिन रोज़ा था तो 7:15 में वहीं थी, मैंने रोज़ा खोला इन इस बंदी ने एक चीज़ मुँह में नहीं रखी, एक चीज़। आप हमेशा खफा होती है, कुछ खाती नहीं है, जबकि मैं बहुत खाती हूँ, लोग नहीं यकीन करेंगे आपकी बात का, वो कहेंगे नहीं ये खाती है। अच्छा बेटा सुनो एक बात मुझे और पूछनी, गरम गरम में ही डालना जी, बेशक मेल्ट हो जाए, बेशक मेल्ट हो जाए क्योंकि बेक हो जाएगा जी, अभी हमने निकाला ना देखे मेल्ट हो रही है क्योंकि हाँ। इसमें चॉकलेट ही है ना जाने, जैसे हमारे यहाँ क्योंकि एसी चल रहा है तो वो चॉकलेट जम रही है हाँ। तो वरना ये है कि बस इसको हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे और ये बेक हो जाएगी, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि ओवन में जाके यानी हो इसने पहले मेल्ट ही होना है फिर बेक होगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अभी भी टार्ट का बेस काफ़ी गर्म है। ठीक है, चल बस ये ब्राउनी हमारी
बेक हो जाएगी इसमें। अच्छा, इसके ऊपर आप कुछ करोगे या बस दिस इज़ अब यानी ये भी डन है, लेकिन एक चीज़ है मैं भी दिखाती हूँ लोगों को थोड़ा सा। अच्छा, इसको मैं बेकिंग के लिए रख रही हूँ, 25 मिनट्स बेक होगी। बहुत ओवर बेक नहीं करना, क्योंकि हमें सेंटर थोड़ा गुई और इस तरह का चाहिए, ठीक है। बहुत ओवर बेक नहीं करना, केक नहीं बनाना हमने इसको। तो 25 मिनट्स ये बेक होगा और 165 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसके ऊपर अब गनेश, अब जाने मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गनेश बनाई हुई थी पहले से, और मैंने किया क्या था, ये थोड़ी सी गनेश, ये देखिए अभी तो जमी हुई है, मैं इसको अभी करूँगी। मैं ऐसा पता है ये जो गनेश वाला टाटे तो आजकल बहुत आम है जी, बेकरीज में अच्छी वाली बेकरीज में बहुत मिल रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि आप उस पर ये डालें। बिल्कुल गणेश कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक छोटी सी गार्निश है, मैं समझा देती हूँ कि वो किस तरह से बनेगी। थोड़ा सा क्योंकि हम लोगों का काम इस तरह का होता है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखें मैंने क्या किया हुआ है, एक सिंपल डिज़ाइन, यही गणेश है, सेम 1:1 की रेशो पे है। एक पार्ट डार्क चॉकलेट है मिल्की इसकी, उसमें एक पार्ट मैंने क्रीम ऐड की, उसको ये मिक्स किया, ये हमारा गणेश बन गया। मैंने राउंड वाला अभी नहीं है मेरे पास, या है बल्कि मैं दिखा देती हूँ। ये राउंड नोज़ल जो होता है सिंपल, ये मैंने राउंड नोज़ल लिया, इसमें गणेश डाली, और कोई भी एसीटेट शीट या इस तरह का पैकिंग पेपर, ये दिखाने के लिए कि ये पैकिंग वाला पेपर है, जिस पर वो चिपके ना, और आपने जो है सिंपल उसको रेंडम डिज़ाइनिंग कर दें। तो इस तरह की चीज़ें देखने में बहुत हसीन लगती हैं। इसको मैं गार्निश करूँगी किस तरह से, कि ये अभी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ, ये काफ़ी फर्म हो गई है। जब हमारा टार्ट बाहर आएगा थोड़ा सा ठंडा होगा, क्योंकि मैं गरम गरम पे रखूँगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा टार्ट, उस पर हम ये रख के, और इस पर कोको पाउडर आप जो है वो डाल दीजिएगा। बहुत सिंपल एलिगेंट सी इसकी जो है कह लें कि लुक आएगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? मैं बुशरा बात कर रही हूँ, आप पर आबू सिंधी से। अच्छा, इतने प्यार से मीठी आवाज़ है आपकी, बोलिए। थैंक यू सो मच, बड़े दिनों बाद आज आपसे बात हुई, बहुत अच्छे से। बस यही था कि मतलब से कहीं बात ही नहीं होती थी, तो आज मैंने कहा मैं कॉल करती हूँ। शेर साइमा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बस आई जस्ट गॉट मैरिड इन दिसंबर, सो थिंग्स वेंट वेरी बिजी बिजी बिजी, सो मुबारक बेटा, मुबारक भी हो आपको बहुत, हमेशा खुश रहो। बस आपका दुआओं में याद रखा करें। बस मैं तो जो है वो मेरी मामा आपसे बात करके गई थी, शी वेंट टू USA, तो वो मैं सुबह उठ के उनको देखा करती थी। अब वो जब से गई है ना, मैं सुबह उठ के सबसे पहले टीवी लगा के आपको ना देखूँ, तो मुझे लगता है कि मम्मा नहीं है घर में। जब आप नहीं आ रही थी तो मैंने लिटरली सुबह टीवी ऑन करना छोड़ दिया था, बहुत ज्यादा मेरा मूड ऑफ होता था कि मुझे मम्मा नजर नहीं आ रही। जजाक अल्लाह बेटा, जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। शर्मा, मुझे आपसे ये पूछना था कि जो आपकी ये मॉन्स्टर कुकीज हैं, एक्चुअली आई एम एलर्जिक टू पीनट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, नट्स, तो मुझे बताया कि इसमें पीनट बटर को हम ओमेट कर सकते हैं, और अगर ओमेट नहीं कर सकते तो इसमें क्या हम उसकी जगह डाल सकते हैं? अच्छा, देखिए अगर आपको पीनट, बिल्कुल, अगर आप पीनट एलर्जिक हैं तो आप इसकी जगह आमंड बटर यूज कर लें। ओके जी, नॉट दिस, ये जो क्रीम नहीं, आप जानी टेक्सचर चेंज हो जाएगा, रनिंग चॉकलेट टेस्ट भी नहीं, अभी नहीं नहीं ये वाला नहीं जी। आप इसकी जगह आमंड बटर यूज कर सकती हैं, आमंड बटर यूज कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल, या अवॉइड कर दें तो? अब जैसे अगर ओमेट करेंगी ना, तो उसकी जगह फिर थोड़ा सा कुछ भी हम और ऐड करेंगे, लेकिन बटर लाइक उसका फिर मेन वो ही ख़त्म हो जाएगा, मॉन्स्टर कुकीज का एक अलग कुकीज़ बन जाएंगी, लेकिन बेहतर है कि आप आमंड बटर ऐड करें। मिल जाता है या? अब जैसे ना भी मिले, ख़ुद बना सकते हैं, बता दें, मैं बता देती हूँ, कॉल पर हैं, चलिए ठीक है, आप जाइए और सुनिए, फिर आपको बता रही हैं। हाँ जी, आमंड बटर इजी है, जिस तरह से पीनट्स का है, आपके पास सिर्फ एक अच्छा गुड चॉपर होना चाहिए, जो कि नॉर्मली हम रोबोकॉप के अंदर ये काम करते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल मशीन होती है, और उसके अंदर बड़ी कंसिस्टेंसी, लाइक उसमें ये होता है कि ना सिर्फ वो आपका टेक्सचर बहुत अच्छा देती है, उसमें बड़ा एक होता है कि वो गर्म नहीं होती जल्दी। तो एक अच्छा गुड चॉपर आपके पास होना चाहिए, आप सिंपल आमंड्स लीजिए, उसको बहुत अच्छे से टोस्टिंग कीजिए, चाहे अवन में चाहे पैन में, लेकिन वो फुली टोस्टेड होने चाहिए, ठीक है।
टोस्टिंग के बाद आप उसको सिंपल चॉपर में डालेंगे और घुमाना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक कि वो पहले पाउडर में कन्वर्ट होगा, फिर वो अपने ऑयल रिलीज करना शुरू करेगा। बिल्कुल जी, होता है। वो अपने ऑयल रिलीज करेगा, करते करते थोड़ी देर में वो एकदम से बटर की फॉर्म में आ जाएगा। जी बिल्कुल, वो अपने ही ऑयल में बनेगा। अच्छा, इन केस अगर किसी से ना बन पा रहा हो और वो सोच रहे हैं कि हमारी मशीन गर्म हो रही है या इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ठंडा नहीं होने देना, वो जो गर्म होगा उसी में, उसी ब्लेंडिंग में ही वो अपने ऑयल से ही बटर बनता है। ठीक है, पीनट बटर का भी यही बनाने का तरीका है, और जिनके पास रोबोकोप है तो वो उससे बना लें। और दूसरा इसका ये होता है कि अगर किसी से नहीं बन पा रहा या वो बहुत टाइम ले रहा है, फिर आप उसमें जो है थोड़ा सा आर्टिफिशली आप थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, चाहे बटर ऐड करें चाहे ऑलिव ऑयल, लेकिन बटर ऐड कीजिएगा, उसका ऑलिव ऑयल का फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा। बटर ऐड करके और फिर उसको घुमाइएगा तो बहुत अच्छा स्मूथ सा एक बटर रेडी हो जाएगा आपका। वेरी गुड, एक्सेलेंट। जी, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप हेज़ल नट्स का बनाएं, आप आमंड्स का बनाएं, या आप पीनट का बटर बनाएं, ये सबका यही तरीका है सबका। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारी ब्राउनी जो है आप देखें, वो सारी मेल्ट पहले हो गई और अब ये इक्वली वो होगा, वो देखें। ठीक है, पहले जो चॉकलेट और हमने बटर क्योंकि डाला हुआ था वो थोड़ा सा स्टिफ हो गया था, वो मेल्ट हो गया, अब ये पूरा बेक होगा जब तक। और गनेश मैंने सिर्फ थोड़ा सा रखा था गार्निश के लिए, वो समझाने के लिए, सिंपल है, कोई भी आप इसके ऊपर कुछ भी ना ऐड करें, एज इट इज़ इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गनेश की, या अगर आप बनाएंगे मिरर ग्लेज, चॉकलेट मिरर ग्लेज, वो भी आप इसके ऊपर दे सकते हैं बिल्कुल एक फाइन शाइन के लिए। जी, क्योंकि वो भी जम जाती है मिरर ग्लेज जो है, और फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, टार्ट का जो डो है आप यानी वो मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने जी रेसिपी अभी हमने निकाली नहीं थी, तो मैं अभी निकाल के फिर आपको बता दूँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र। क्या मैं आपसे मेरी कॉल मिलती है ना जब मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत तो ना आपकी मैं रेसिपीज बहुत ट्राई करती हूँ, इतनी तारीफ होती है, मैं क्या आपको क्या बताऊँ। क्या क्या बनाया? बहुत सारी चीजें बनाई, आप तो याद भी नहीं रहता, देखती हूँ दूसरे तीसरे दिन चीजें मंगवा लेती हूँ और बना लेती हूँ। वेरी गुड, चलें, वेरी गुड जी। और बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू बेटा, आपने कॉल की, जज़ाकअल्लाह। ब्रेक आ चुकी है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। वापस आके हम साइमन से कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होंगी, ठीक है? और ये इसका ब्राउनी टार्ट का आपको डो भी लिखवा देती हूँ बेस, ठीक है? स्टे विद अस। क्या हुआ? बस वो बेक हो रहा है अब, जानी वहाँ पे थोड़ा सा टाइम और बेक हो जाए, मैंने थोड़ा सा तेज़ भी किया ताकि हम जल्दी उसको ठंडा करके आपको दिखा सकें उसकी फाइनल लुक जो है। और इसके ऊपर जो ये लिखा दूँ मैं जब तक इनको? बिल्कुल अब। अच्छा, आप लोग लिख लीजिए प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स फॉर बेस, ये जो ब्राउनी का टार्ट है उसकी ब्राउनी तो आपने सीख ली है, अब जो उसका बेस है जो साइमा ने उसको स्प्रेड करके टार्ट ट्रे में फ्रीज़र में रखा था, आप वो लिख लीजिए। इसके लिए लिया था मैदा 160 ग्राम मैदा, बटर था 110 ग्राम, ठीक है, कॉर्नफ्लावर नहीं सॉरी आइसिंग शुगर थी 65 ग्राम 65 ग्राम आइसिंग शुगर, उसके बाद कॉर्नफ्लावर 15 ग्राम 15 ग्राम कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर 10 ग्राम, नमक एक चुटकी, 3 अंडे की जर्दी। करना क्या है आपको? आपको सब में पहले मक्खन और आइसिंग शुगर को फेंटना है, ठीक है? जब वो मिक्स हो गई, अच्छी तरह क्रीमी हो गई, तो आपने उसमें 3 अंडे की जर्दी डाल दी एक एक करके और उसको बीट कर दिया। फिर जितने आपके पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें मैदा शामिल है, कॉर्नफ्लावर शामिल है, कोको पाउडर शामिल है और एक चुटकी नमक शामिल है, आपने वो सब डाला और उसका डो बना लिया।
सही है ना? बिल्कुल। और फिर उस डो को रखा थोड़ी देर फ्रिज में? बिल्कुल, फ्रिज में रखना है, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा ये वाला, क्योंकि इसमें 3 अदद अंडे की जर्दी जा रही है जो कि हाई फैट है काफ़ी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सॉफ्ट डो है। हम इसको फ्रिज में रखेंगे, चिलर में आधा घंटा कम से कम रखिएगा, फिर इसको आप रोल आउट करें। आप थोड़ा सा मैदा भी डस्ट करके कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि नीचे सिल पैड रखा और उसके ऊपर मैंने रोल किया, ऊपर क्लिंग रैप लगा कर, ठीक है, तो वो ज़रा ईजी रहता है, चिपकता नहीं है। उसके बाद आप इसको टार्ट डो, टार्ट पैन जो है 9 इंचेस का मैंने यूज़ किया है, और सेम रेसिपी पर आप जो है 11 इंच का टार्ट पैन यूज़ कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये कि मैं आपको ये डो दिखा भी दूँ, ये डो मेरे पास जो मैंने लगाया, मैंने यहीं आके उसको सेट किया था, ठीक है, ये डो इस तरह का है। अभी ये बाहर रखा हुआ तो ये इतना सॉफ्ट होगा। अच्छा जी, बिल्कुल, तो ये इतना सॉफ्ट है ये डो, और ये 11 इंच के टार्ट पैन में भी चला जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर 11 इंच तो बड़ा होता है ऐसा ना, अगर 11 इंच के उसमें जाएगा जी, तो फिर ब्राउनी का मिक्सचर कम नहीं हो जाएगा? नहीं, वो थोड़ा सा लेवल्ड, ज्यादा लेवल्ड हो जाएगा। okay. तो ऊपर हम गनाश पोर कर सकते हैं। okay. बिल्कुल, अगर कोई करना चाहे, अगर जरा ज्यादा बड़ा किसी के पास है पैन, ज्यादा है तो बिल्कुल। और लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि 9 इंच का जो है वो आइडियल साइज होता है टार्ट्स के लिए, तो आप 9 इंच का जो है टार्ट पैन यूज़ कीजिएगा। हमेशा की तरह मैं बताती हूँ फॉल्स बॉटम, ताकि नीचे से आप टार्ट इजीली रिमूव कर सकें, ठीक है, फॉल्स बॉटम यूज़ कीजिएगा। तो बाकी ये जो है, मैंने तो खैर 9 इंच का किया है, रेसिपी 11 इंच पे भी लग सकती है, ठीक है, और इजी सी रेसिपी है, कोई इतना वो नहीं। और पहले भी सेम रेसिपी जो है वो मैं आपको बता चुकी हुई हूँ, इसीलिए मैंने आज नहीं सिखाई थी, ताकि हम लोग पहले से बना चुके हैं, एक ही चीज़ को बार बार ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एक ही डो बेस से कितने मल्टीपल फ्लेवर्स ले सकते हैं, ये मेन हमारा कंसर्न है कि आप उसी से फ्रेंजीपेन भी बना रहे हैं, ब्राउनी टार्ट भी बना रहे हैं, आप चॉकलेट, एक सुप्रीम टार्ट बनता है आप यानी। अच्छा। जी कभी इंशाल्लाह वो भी, लेकिन ये प्योरली चॉकलेट लवर्स के लिए है। जी आप नहीं खाती बिल्कुल भी, लेकिन जो मेरे जैसे जो चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए तो ये हेवन है बिल्कुल। अच्छा। कह लें। अच्छा। जी मज़े का होता है, बहुत ही उसका कह लें कि एक माउथ मेल्टिंग टेक्स्चर होता है, पेस्ट्री क्रीम से ही बनता है, लेकिन हाँ जी हम चॉकलेट फ्लेवर में बनाते हैं। जी तो अच्छा, फ्रेंजीपैन जो होता है उसमें जो कोकोनट पड़ता है ना? नहीं, अब जानिए आमंड का, वो आमंड का कह लेंगे पेस्ट है, आमंड का हम कस्टर्ड बनाते हैं जो कि अनकोक्ड है, बिल्कुल, और उसको हम जो है बेक करते हैं, और फिर उसकी कटिंग वो अंदर से स्पॉन्जी होता है। ओके। जी वो थोड़ा स्पॉन्जी होता है। बस मैं इसको एक बार और चेक कर लेती हूँ, मैंने थोड़ा सा फ्लेम हाई किया था, अभी हल्का सा सॉफ्ट है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमने इसको बेक करना भी नहीं है, ओवर बेक ना हो जाए, थोड़ा सा हम रखेंगे हल्का सा, ताकि अंदर से ज़रा गुई सा हो, खाने वाले को मज़ा आए। जी ठीक है, ब्रेक पे जाएं सायना? बिल्कुल, अब जाने ब्रेक पे चलते हैं, जब तक हो जाएगा फिर हम वापस आ जाते हैं। ठीक है जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अल्लाह क्या खुशबू आ रही है। अच्छा ये देखें, ऑलमोस्ट 25 है, ये देखें हमारी, ठीक है, ये बेक हो गया है। इसको हम थोड़ा सा जो है सेटल होने देंगे, क्योंकि एक तो बहुत गर्म भी है, ये थोड़ा सा नीचे इस तरह से बैठेगा जो इसका एक फज का खास, क्योंकि देखें अभी ये हल्का सा देख रहे हैं आप, यानी हल्का सा नीचे लिक्विड है, यही वो फज है जो बाद में बिल्कुल जब सेटल होगा, ये वो चॉकलेट है, इसको आप ये ना समझिएगा ये कच्चा है, कच्चा नहीं है, क्योंकि जब चॉकलेट ठंडी होती है आपको पता है वो जुड़ जाती है, जैसे हमारा बैटर बिल्कुल वो हो रहा था, थोड़ा सा स्टिफ हो रहा था, तो ये मेल्टेड चॉकलेट है, जैसे ही ये सेटल डाउन होगा ये चॉकलेट जमेगी दोबारा से। अच्छा सायमा, मुझे अच्छा याद आ गया इस पे, इस क्वेश्चन पे मुझे 3-4 लोगों ने मेरा सर खाया हुआ है कि प्लीज़ सायमा को कह दें हमें प्रॉपर लावा केक सिखा दें। मैंने अच्छा, भी सिखाया है, ठीक है, आई वोंट से इट वाज 100% परफेक्ट, वो उसका सही बहता हुआ लावा नहीं, एक्स्ट्रा बेक हो जाता है। मैं समझ गई। फिर एक आध और शेफ ने विप के सिखाया, वो भी एग्जैक्टली निकला, सही है, तो दे वांट अ प्रॉपर। मैं पहले अब जानी इसको डिफाइन करती हूँ, लावा केक को, जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है ना कि लावा केक जब हम एक मिनट मैं पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी से, साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ उसको। अच्छा, हमें अब यानी एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है, लोगों को ये अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि पहली बार जब हम लावा केक बनाते हैं उसको आप चॉकलेट फॉन्डेंट भी कहते हैं,
उसका नाम चॉकलेट फॉन्डेंट होता है। प्रोफेशनली जब आप किचन्स में काम कर रहे होते हैं तो आप उसको लावा केक नहीं कहते, वो चॉकलेट फॉन्डेंट कहलाता है, ठीक है। तो जो फॉन्डेंट है उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने एक ही बार हम बैटर बनाते हैं और आपने कप्स जो हैं, जैसे हमारे डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, आपने उसको फिलिंग कर लेनी होती है और आपने उसको फ्रीज़र में रख देना होता है। ये सबसे बेस्ट मूविंग आपका आइटम होता है। रीज़न ये कि एक तो ये मज़े का होता है, दूसरा रीज़न ये होता है कि बहुत ईजी टू गो होता है क्योंकि ये पहले से फ्रीज़र में रखा गया होता है, ठीक है। हमने करना क्या होता है, बेस्ट लावा टेक्सचर लेने के लिए उस बैटर का फ्रोज़न होना ज़रूरी है। जी, जब वो फ्रोज़न होगा उसका वो पूरा जमा हुआ होगा, जैसे ही आप उसको ओवन में डालेंगे एग्जैक्टली 9 मिनट में होगा क्या कि उसकी जो बाहर की लेयर है वो सारी कुक हो जाएगी और सेंटर उसका जो है वो मेल्ट हो जाएगा, तो वो लावा उसका बनता है। तो ये चीज़, और फिर इसकी इंस्टेंट सर्विंग होती है। आप ये ना समझे कि आप रख के और आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल इंस्टेंट सर्विंग होती है। जैसे ही ओवन से आउट होगा फौरी तौर पे आपने उसको प्लेटर में सेट करना होता है, आइसक्रीम स्कूप हर चीज़ आपकी बेरीज वगैरह लगी हुई होती हैं, हम सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही वो आउट होगा उसको अपसाइड डाउन किया और सीधा कस्टमर के पास, ठीक है। तो ये इसका तरीका है, कारण मैं बिल्कुल सिखा दूंगी, बिल्कुल जेन्युइन रेसिपी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, वो मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल मज़े की ब्राउनी है, ये अब देखें सेट होने लग गई, जो पहले थोड़ी सा ज़्यादा हिल रहा था, अब ये चॉकलेट थोड़ा सा और ठंडा हो जाए, इसको हम जो है थोड़े फ्रीज़र में रख दूँ ताकि मैं ऊपर जो है गार्निश टाइम, क्योंकि अब एकदम से भागेगा। मैं थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, ठीक है जी। और उसके ऊपर आप ये गनाश स्प्रेड कर देंगे, ये भी कर सकते हैं, मैं क्योंकि वो बनाया हुआ पहले से पाइपिंग किया हुआ, मैं उसको रखना चाह रही हूँ, मैं इसलिए ठंडा कर रही हूँ ताकि वो जो है मेल्ट ना हो जाए, फिर भी अगर मेल्ट होगी तो खैर होगा जी, थोड़ा सा हो जाएगा, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लीजिएगा, एटलीस्ट आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। बिल्कुल, आइडियाज़ शेयर करने का मकसद ये होता है, भाई मेरा मेन कंसर्न उन लोगों के साथ जो ऑर्डर वर्क करते हैं या जो बेकरीज, उनमें बहुत माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब वो कुछ नया सीखते हैं और वो बड़े दिल से देखते हैं प्रोग्राम्स, और रीज़न यही होता है सिखाने का कि शायद उनके वो काम आ जाए। आप यकीन करें, परसों हम वहाँ आए कराची पर बैठे थे विपी विप की स्टॉल पर, और क्या साइमा के पास लोग आके इनकी तारीफें कर रहे थे, माशाल्लाह मेरी में कि मतलब आपका समझाने का जो स्टाइल है ना, वो आप कोई चीज़ छुपाती नहीं है, आप इतना अच्छा समझाती हैं, कितने लोगों ने आपको ये बात की। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारे लिए ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, आपको ये मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पे ये जो कोको पाउडर का मकसद है वो सिर्फ ये है कि अगर जैसे कोई सिंपल गनाश भी पोर करता है, आप सिंपल उसके ऊपर कोको पाउडर भी डाल देंगे तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, सारे कह रहे हैं रीकैप का टाइम, रीकैप क्या करना है, आ जाए आप जाने, रीकैप से वापसी पे हम फाइनल लुक दिखा देंगे, बस अब मैंने इसके ऊपर सिर्फ गनाश वो लगाना है और हम ये इसको सर्व कर देंगे। जी मंजूर है आप लोग का रीकैप आके, ठीक है, तो हम ले लेते हैं रीकैप। रीकैप से हम आने वाले होंगे मिनट पहले, तो हम उसको निकालेंगे, इतना देर हम थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि ज़रा सा ठंडा हो जाए, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी, हमारा सेट हो गया है, ऐसे डिजर्ट्स बनाएं और दावतों में रखें तो कितना एप्रिसिएशन आप लोगों को मिलेगा। सिंपल सी और इस तरह की, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, आ जाए टेबल पे ले, मैं आ जाती हूँ, बस हैंड वॉश करके आ रही हूँ जी, मैं ले आती हूँ आपको। वैसे भी हम लोग गणेश पोर करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए कि थोड़ा एक न्यू आइडिया भी आप लोगों को मिल जाए कि गणेश को आप इस तरह से और करके और सर्व कर सकते हैं। लग रहा है अच्छा। तस्नीम, आपका सवाल, कोको पाउडर 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम, अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून, 10 ग्राम, अब जानी 1 टेबल स्पून हीप्ड, हाउ मेनी,
एक टेबल स्पून हीप्ड कोको पाउडर 10 ग्राम जी, ठीक है जी, बहुत अच्छा लग रहा है साइमन, उसमें देखें वेरी नाइस, इतना और अल्लाह का इतना शुक्र है, इतना शुक्र है कि मेल्ट नहीं हो रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को आज का विपी पिप का स्पॉन्सर्ड शो मिल्की फूड का अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिए, सिंपल थी दोनों रेसिपीज़, मैं हमेशा कहती हूँ इमीडिएटली ट्राई कर लिया करें ताकि आप लोगों को जहन में याद रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीक का क्या प्लान? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, अब जानिए एक तो है चोको हेस चीज़ केक बना रहे हैं हम, ठीक है, और नो बेक चीज़ केक है, बहुत मज़े का है वो भी, और साथ में हमारी बन रही है एक सेवरी बन रही है, पफ पेस्ट्री हम बनाएंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। पफ पेस्ट्री भी आप यहीं बनाएंगी बना के? नहीं, पफ पेस्ट्री तो हम यूज़ करेंगे बनी हुई, हाँ। लेकिन क्योंकि पहले भी इतनी बार सिखाई हुई है कि मेरा हाँ। नहीं ख्याल कि दोबारा सिखाने हाँ। की ज़रूरत है, लेकिन अगर कभी मौका मिला तो सिखाऊंगी अपने तरीके से भी, लेकिन मैं बेक हाउस की यूज़ करूँगी। अच्छा, और फिर उससे आप चिकन पफ्स? बिल्कुल, और चिकन पफ्स बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे हम कप केक पैन में। अच्छा जी, थोड़े डिफरेंट बनाएंगे। ओके जी, अभी इन्होंने मुझे कहा ये एक बन सिखाएंगी मीठे, और उसके अंदर फिल होगी बाउंटी चॉकलेट की फिलिंग, मुझे तो उसका इंतज़ार है जी, वो भी इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीक में जो है बाउंटी बंस मैं सिखाऊंगी, बहुत मज़े के हैं। अच्छा, बहुत डिलीशियस हैं जी। चलिए ठीक है, तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, आपसे कल बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू के साथ मुलाकात करेंगे। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हम सबको दुआ में बहुत याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।